So hello guys, welcome back to the channel. Yes, it is time for Kalamink once again in our channel. By long time, but long time नहीं हुआ है. Kalamink को हम लोगों ने last शायद से fame talk देखा था. गाने का नाम है balance ही आएगा. लेकिन I can see एक thumbnail देखा मैंने अपेक भाई का, which says कि diss. उसमें diss लिखा था शायद से. डिस हो सकता है क्या? बिकॉज यस, लास्ट एक सॉन्ग मुझे लास्ट याद आ रहा है, तो थंबनेल लगाया था कि भैया डिस किसके लिए. तो सुना है कि शायद से इसमें भी डिस है थोड़ा बहुत किसी के लिए. अभी मेरे को क्लियर नहीं है एक्चुअली Kalamink को दिक्कत किससे है. मुझे पिछले वाले में भी मैंने देखा था Kalamink ने किसको सब्स दे रहा है, मुझे अभी भी समझा नहीं है मेरे को क्लियरली. ठीक है, लेट्स सी इसमें क्या होता है. बाय द वे, हाँ भाई चलो ठीक है. Balenciaga गाने का नाम है, कोल्ड वर्ल्ड एल्बम का ही पार्ट है. यस हाँ, कोल्ड वर्ल्ड अभी तक मैंने सुना नहीं है पूरा. Balenciaga उसी का पार्ट है आई थिंक सो, यहाँ पे लिखा तो हुआ है. लोग तो कह रहे थे भाई बैंगर है ये भी, लेट्स गो. Kalamink बैंगर तो बना रहा है एक के बाद एक. नहीं चेक चेक, ठीक है माइक चेक है भाई. चलो कभी ना कभी तो छूटेगा तू भी और टूटेगा सर पे मुसीबत का पहाड़. बात मान मेरी, छोटे हाथ बांध रख मेरे जूतों पे पैर और फील करना तापमान. पसीना छूटे और खून उबाल दे तेरे जैसों को हम कट्टे में डाल दे. पोकर फेस जैसे लेडी गागा, कच्चा है नीचे से पहना और छाती पे Balenciaga. ये मामले चल रहे हैं भाई साहब. भाई पहली बात, म्यूजिक सीजे चिराग बीट्स भाई, बीच में ट्रट क्या कौन सा वो है, कुछ परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट वो उसका हल्का फुल्का वो आ रहा है, बीच में बीट्स उसकी आ रही हैं. ओफो, और आई थिंक दिस इज द हुक, समझ में आ गया दिस इज द हुक. क्या ही इंट्रो भाई, क्या इंट्रो, मजा आ गया. कभी ना कभी तो छूटेगा तू भी और टूटेगा सर पे मुसीबत का पहाड़. बात मान कुछ परक्यूजन से बोलते क्या कॉन्गो. मुसीबत का पहाड़ बात मान मेरी, छोटे हाथ बांध रख मेरे जूतों पे पैर और हाथ बांध. यस भाई, यंग सनर्स का कैसे वो एक फ्लेवर यंग सनर्स का कैसे इंडिकेशन नहीं आएगा भाई. हाथ बांध छोटे मैं हूँ तापमान, समझ रहे तुम्हें राइमिंग से याद आ रहा होगा, यही वर्ड से ऑलमोस्ट. कभी ना कभी तो छूटेगा तू भी और टूटेगा सर पे मुसीबत का पहाड़. बात मान मेरी, छोटे हाथ बांध रख मेरे जूतों पे पैर और फील करना तापमान. पसीना छूटे और खून उबाल दे तेरे जैसों को हम कट्टे में डाल दे. पोकर फेस जैसे लेडी गागा, कच्चा है नीचे से पहना और छाती पे Balenciaga. छाती पे Balenciaga तो फ्लो पे ध्यान दे. आज लाखों में पहले बस कुछ थे जानते, हमने कभी नहीं रखे पढ़ते जुबान पे. हम भारे भी नहीं बिके और तुम घर पे रान थे, ये प्रोमो वाले गेम. हम बाहर भी नहीं बिके और अरे भी नहीं बिके और तुम घर पे रान थे, ये प्रोमो. हम बाहर भी नहीं बिके और तुम घर पे रान. अरे रे रे Balenciaga, हम बाहर भी नहीं बिक रहे हैं ब्रो. हम बाहर भी ऐसे ही कोई औने पौने दाम पे नहीं बिक जा रहे. ठीक है, वी हैव अ प्रॉपर, हमारी फीस है हमारे चीज़ों के एक प्रॉपर वो है. तुम घर पे भी समझ रहे हो छोटे छोटे अमाउंट में बिक जाते हो साल. मैं नहीं बोल रहा हूँ, Kalamink बोल रहा है. Balenciaga, छाती पे Balenciaga तो फ्लो पे ध्यान दे. आज लाखों में पहले बस कुछ थे जानते, हमने कभी नहीं रखे पढ़ते जुबान पे. हम भारे भी नहीं बिके और तुम घर पे रानते, ये प्रोमो वाले गेम. जैसे कि व्हाट इज बस इंस्टा की रील की हाइप पे इनकी मिलियन में ले रखे फॉलोवर. भाई ने फोटो पर लाइक झाड़ भर के गिनते करो हाइप तेरी डेट. मुझे बीफ बोल, मुझे रैपर नहीं भाई संगीत बोल डालू. अरे 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 भाई एक सेकंड, कल देखो मैं बताता हूं. Kalamink को मैंने ऐसे नहीं सुना है यार. Kalamink को भाई दिस इज सम डैम. Kalamink को इसका ऐसा मैंने लास्ट टाइम Kalamink का सुना था ना, जिंदगी सुना था. ठीक है, और ये बड़े टाइम बाद Kalamink को इस जोन में देखा है भाई. क्योंकि मैंने जब जिंदगी के बाद मैंने पुराने पहली बार जिंदगी सुना था, उसके बाद से मैंने लगातार Kalamink के जितने पुराने मैंने फिर डिस्कोग्राफी खोल के सुनी है. Kalamink ये बहुत कम जोन, इस जोन में बहुत कम बार दिखा है भाई. एंड अ लॉन्ग टाइम Kalamink इज बैक इन दैट जोन. और भाई ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है भाई, ये जिंदगी से ज़्यादा ये खतरनाक बैंगर है. बिकॉज एक एक लाइन, तुम एक एक लाइन उठाओगे ना, इट्स वो बहुत ही खतरनाक लिखी गई है डूड. क्या मतलब पिछली एक लाइन समझ रहे हो,
उतनी तेजी में चॉपर फ्लो में दूसरी लाइन ऑलरेडी आ रही है, तुम पहली समझ रहे हो, तीसरी तब तक आ जा रही है। डैम, वो क्या था, इंस्टा की रील की हाइप है इनकी। मिलियन में ले रखे फॉलोवर्स, मिलियन में फॉलोवर्स ले रखे हैं और फोटो पे लाइक भी नहीं गिनते, यानी कि फेक फॉलोवर्स ले रखे हैं बेसिकली। भाई ने फोटो पर लाइक झाट भर के गिनते, करो हाइप तेरी डैड, मुझे बीफ बोल, मुझे रैपर नहीं भाई संगीत बोल, डालो संजीव बोल, करो व्हाट इज प्रमोट बिल्ली बोल। अरे 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 अरे, गानों में स्वाद संजीव बोल और क्या बोलते हैं कि बोल, मुझे रैपर नहीं संगीत बोल। नाइस वन, ये ज्यादा बढ़िया लगा। ये है ना भाई, जब जो होता है ना कि भाई अभी लोग लड़ रहे हैं कि भाई ये होता है रैप, ये होता है रैपर। भाई बोला देखो, दिस इज म्यूजिक, आई एम म्यूजिक, ठीक है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ और तुम एज ए लिसनर सिर्फ सुनो, ठीक है। आई एम वाटर भाई, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। एंड डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली ऐसा सीन है, बिकॉज तुम कलमिंग को तुमने कौन कौन से जोन में सुना होगा भाई, लड़के प्यार में सिर्फ सुनते जा रहे कलमिंग, कितना स्लो सी वाइब में, सूदिंग सी एक वाइब चल रही है, वहाँ पे कलमिंग सुन रहे हैं, दिल टूटा है, रो रहे हैं, तब कलमिंग सुन रहे हैं, और फिर भाई ये कलमिंग का जोन सुन रहे हैं भाई। भाई देखो, कलम में बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है मेरे को, मतलब ये इम्प्रूवमेंट इन द सेंस ना, इम्प्रूवमेंट नहीं, इम्प्रूवमेंट इज नॉट द वर्ड, कलम में मेरे को ग्रोथ दिख रही है एक्चुअली में, कि आर्टिस्ट कैसे ग्रो करता है। भाई अगर तुम एक ही चीज़ सदियों तक करते जा रहे हो ना, मेरे लिए वो एज ए गुड ग्रोथ मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। मेरे लिए भाई जब तुम ग्रो करते हो, तुम मल्टीपल चीज़ों पर ध्यान देते हो, तुम्हें दुनियादारी दिखती है ना, तुम्हें डिफरेंट, अगर तुम म्यूजिशियन हो, तुम्हें डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ म्यूजिक दिखते हैं, तुम उनको ट्राई करते हो, कलमिंग फॉर यू। बोल मुझे पहले से पता था, फटूंगा जब तो आएंगे मेरे को लोग दबाने, मैं तो बस कला का सगा था, गाने फेंके अब ये लोग दीवाने। म्यूट पे डाल दूं, आपस में कर रहे हैं आर्टिस्ट, लिप लॉक करूं बैनी ने भारत में, जैसे टिकटॉक इनके गानों की लीजा ज्यादा नहीं है, गाने से चल रहा तू। ओ भाई करे यार, की तीन लाइनों कर, ये आर्टिस्ट करते हैं लिप लॉक बेसिकली। आई थिंक लास्ट सॉन्ग में भी कलम ने बोला था कि ये फीचर के दम पे चल रहे हैं ना भाई, फीचर ही फीचर करते रहते हैं उसको बोल। लिप लॉक कर रहे हैं आर्टिस्ट आजकल के, अरे रे। और फिर क्या था कि ये मैं इनको करूं बैन जैसी है टिकटॉक। गांधी से चल रहा तू पॉड्स में, गांधी को मारे मेरा फेम बना गॉड से, गानों में सांस जीवन आजाद जैसे अंतरिक्ष लाखों लोग। अरे रे, गांधी को मेरा पैसे, गांधी को मेरा मारे मेरा फेम जैसे गॉड से, गांधी को मारे फेम बेसिकली, पैसों को मेरा जो फेम है ठीक है, वो एक्चुअली मैं पैसों का मोहताज नहीं है ठीक है, मेरी फेम विदाउट मनी, ये दिल से जो मेरे फैंस है। नाइस वन, नाइस बार भाई, बार टू बार भाई, मैं रोकूंगा ठीक है, लेट्स मेक इट दिस क्लियर। ये जो रैप है, ये कलमिंग का वाला रैप नहीं, जिसको मैं बैठ के सिर्फ सूदिंग करके सुनूंगा, आई विल स्टॉप ठीक है, आगे ऐसे चलने वाला है। जैसे अंतरिक्ष लाखों लोग प्यार देते, दिल होता विचलित, गिल होती विचलित, जब पैसा बोलता है पाप की चौड़ में तो ज्यादा बोलता है, मैं गलियों में जाता पाप की। ये किसी को तो है, पिछले गाने में भी ऐसे ही था, क्लियर नहीं था, अभी भी मुझे क्लियर नहीं किसके लिए, लेकिन किसी को तो है। मैं गलियों में जाता जब पठानी पहन के, दिल लड़कियों का कम ज्यादा, माँ का डोलता है इनकी, माँ कसम बहुत परेशान, कलम ठोकरा सत्य एंड रेजिंग दी बार कभी। अरे यार, अरे भाई, ये ज्यादा ब्रूटल नहीं हो गया, जिसके लिए भी है भाई, ज्यादा ब्रूटल नहीं हो गया कि मैं जब पठानी पहन के निकलता हूँ ठीक है, तो लड़कियों का नहीं इनकी। अरे यार भाई, कलम में ब्रूटैलिटी, कलम ठोकरा सत्य एंड रेजिंग दी बार कभी जूतों में, चलते तो जानते मुझको, मैं आता कहां से और क्या परिवार, वो तो टूट ही गया है, उसे ब्रोकन बोल, तेरे हाथ का टूटे सुना। क्या परिवार वो तो टूट ही गया है। इससे तो मुझे एक ही चीज याद आ रही है दोस्त, इज इट दैट, क्या कलमकार की बात हो रही है। बोल तेरे हाथ काटू जैसे ना हूं गोहान ब्रो, हर टाइम में पीछे मैं जाने नहीं दूंगा, मैं समय का देव, मुझे क्रोनोस बोल, और मस्ते खोल 100% तू अपना योग, यहां बटरा भोग जो तेरा रोग, ये गाने दवाई मुझे भतरा। एक सेकंड, ये सुनो सीजे चिराग बीट भाई, क्या किया ये। हां ब्रो, हर टाइम में पीछे मैं जाने नहीं दूंगा, मैं समय का देव, मुझे क्रोनोस बोल, और मस्ते खोल 100% तू अपना योग, यहां बटरा भोग भाई। सीजे चिराग बीट भाई, क्या प्यार भाई, क्या प्यार म्यूजिक, और कलमिंग का क्या ही ब्लेंड है भाई उसमें भाई, मजेदार बीट्स भाई, सीधे चिराग
मजेदार। टाइम में पीछे मैं जाने नहीं दूंगा, मैं समय का दे मुझे क्रोनोस बोल और मस्ती खोल खोल 100% तू अपना योग यहाँ बटरा भोग जो तेरा रोग ये गाने दवाई मुझे भत्रा बोल मुकेश लगा तेरे दूध चाट के आ रहा तेरा भाई बिना पैसे सीधा चाट पे जा रहा चाटर पे सपना जो सच करूंगा मुंह फाड़ जैसे सच तू मच बकूंगा दे रेडी टू बैन मी इनके ये प्लान। अरे भाई मुंह फाड़ को शाउट आउट कलमकार को डिस मामले समझ में आ रहे हैं मुंह फाड़ जैसा सच टू मच बोलूंगा मुंह फाड़ के सॉन्ग का यहाँ पे रेफरेंस और उससे पहले भाई मुझे भत्रा बोल मुकेश लगा तेरे दूध चाट के आ रहा तेरा दूध चाट के आ रहा और तेरा भाई बिना पैसे सीधा चाट पे जा रहा। अरे भाई कलमिंग भाई साहब आई डोंट नो ये पहले कलमिंग ने ऐसा पहले कभी किया या नहीं किया इस तरह की लिखाई बट दिस इज ओके भाई कौन है मार्केट में मैं बता रहा हूँ भाई लड़के ऐसे जज करते थे ना मैंने अपने कमेंट सेक्शन में भी देखा और दूसरों के ऐसे इंस्टाग्राम के कमेंट्स जो न्यूज़ वगैरह वाले कमेंट सेक्शन होते हैं कलमिंग को बोलते थे भाई कि नहीं ही इज़ नॉट अ टेक्निकल रैपर क्योंकि कलमिंग ऑल्सो टेक्निकल रैपर्स को भी कलमिंग बोलता था भाई तेरा टेक्निकल रैपर मेरे सामने कुछ नहीं ऐसा करके कलमिंग बोलता था ठीक है लेकिन तुम जज नहीं कर सकते भाई कुछ ट्रैक से किसी आर्टिस्ट को मैंने भी अब एक दो वीडियो में बोला है ऐसे आर्टिस्ट को कि भाई ये बंदा सेम चीज़ बार बार कर रहा है आई वांट समथिंग मोर कि ये थोड़ा सा दूसरी चीज़ें देखे ठीक है लेकिन कलमिंग को मैंने कभी भी नहीं बोला ये चीज़ रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे को सम वे कलमिंग की लिखाई में वो डेप्थ दिखती थी कि भाई जब लिरिकल चाहेगा ना बंदा वो तब लिख देगा एंड वो प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है। तुम अगर जाओ रेफरेंस गेम्स पे जाओ ठीक है तुम भाई की राइमिंग्स पे जाओ ठीक है भाई के वर्ड प्लेस भी यहाँ पे एक दो बार तुम्हें देखने को मिले होंगे ठीक है तो ये प्रॉपर दिखा रहा है कि कलम इंक नोज हाउ टू डू टेक्निकल एंड लिरिकल शेड इट्स जस्ट भाई डिपेंड करता आर्टिस्ट पे वो करना चाहता है या नहीं यू कांट जज एनी वन यस दवाई मुझे भत्रा बोल मुकेश लगा तेरे दूध चाट के आ रहा तेरा भाई बिना पैसे सीधा चाट पे जा रहा चार्टर प्लेन का सपना जो सच करूंगा मुंह फाड़ चार्टर प्लेन पे सपना सच करूंगा चार्ट वर्ड तीन तरीके से सच तू मच बकूंगा दे रेडी टू बैन मी इनके ये प्लान थी ट्विटर की हेट से तोड़ना चाहते थे मुझको पर टूटा नहीं मैं पर टूटन लगी मुझे बार्स की पिंजरे में रहता नहीं शेर सा आदमी मेरे से बने हुए रैपर भी चीख रहे खुद से बने हुए खुदा का खौफ है सारा भी इनको नहीं लौड़े पे सिंपैथी लंबी जुबान है मेरी लेग लैम बजे महंगी भी भाई तभी तो कम दू वर्ड्स का चार्ज है कला तो रहन दे शब्द है मेरे ओके मैं वर्स का पैसा लेता हूँ ठीक है तू आर्ट तो भूल जा कि तू मेरी ले पाएगा कभी इट्स ओनली वर्स की जो फीस लेता हूँ मैं कला तो रहन दे शब्द है मेरे ये गॉड इंस्पायर्ड पर लिखा तो देखा शैतान भी साथ है दुनिया का पहला अरे भाई ओ शिट क्या लिख दिया ये मेरे वर्ड्स गॉड इंस्पायर्ड है और लिखता हूँ तो शैतान भी साथ देता है भाई साहब मैं पता है क्यों मेरे को ये ज्यादा डेप्थ में फील हो रहा है जो लोग सुनते होंगे कलमिंग को शायद से उनको वो रिलेशन फील आएगा कलमिंग के तुमने जो सॉन्ग सुने होंगे इनिशियल ठीक है Q2.0 वो MSH वाली जो पूरी टेप थी ठीक है तुम्हें समझ में आएगा वो क्या डेविल की बात कर रहा है कि भाई जब मैं लिखता हूँ तो डेविल भी मेरे साथ देता है ठीक है ये वर्ड्स लेकिन गॉड इंस्पायर्ड है बेसिकली एवरीवन गॉड एंड डेविल बोथ आर विद मी ठीक है क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा भाई साहब ओ मतलब कोई रैंडम बंदा शायद से बोल देता ना शायद मेरे को उतनी बात हिट नहीं करती लेकिन जब कलमिंग ये चीज़ बोल रहा है आई एम गॉड माई वर्ड्स आर गॉड इंस्पायर्ड बट जब मैं लिखता हूँ तो मेरा शैतान भी साथ देता है भाई ये कलम इंक के मुंह से दिस इज हिटिंग एट अ डिफरेंट लेवल भाई मेरे मज़ेदार लिखा है भाई सिंपैथी लंबी जुबान है मेरी लेग लैम बजे महंगी भी भाई तभी तो कम दू वर्ड्स का चार्ज है कला तो रहन दे शब्द है मेरे ये गॉड इंस्पायर्ड पर लिखा तो देखा शैतान भी साथ दुनिया का पहला मैं गॉड चाइल्ड जो बेच के आया है सोल शैतान तुझे मोतिया बिंद ओ दुनिया का पहला मैं गॉड चाइल्ड भाई वो कंटिन्यू हो रहा है जो कि बेच के आया है सोल शैतान को भाई सोसा शशा बहुत हो रहा है तुझे कम दिखे भाई मेरे स्ट्रीम्स मेरे व्यूज मेरी हाइप छोटे भाई मैं कोविड पॉजिटिव वो फैलता जा रहा तेरी गांड में दम तो मुझे रोक लेना भाई तेरे लेबल्स के डील्स भी सारी मैं जानू तू चाट के गांडे दिखा रहा है ट्रेंडिंग में लंगड़ा गाना तेरा अरे भाई तो कम दू वर्ड्स का चार्ज है कला तो रहन दे शब्द है मेरे ये गॉड इंस्पायर्ड पर लिखा तो देखा शैतान भी साथ है दुनिया का पहला मैं गॉड चाइल्ड जो बेच के आया है सोल शैतान तुझे मोतिया बिंद तुझे कम दिखे भाई मेरे स्ट्रीम्स मेरे व्यूज मेरी हाइप छोटे भाई मैं कोविड पॉजिटिव फैलता जा रहा तेरी गांड में दम तो मुझे रोक लेना भाई तेरे लेबल्स के डील्स भी सारी मैं जानू तू चाट के गांडे दिखा रहा है ट्रेंडिंग में लंगड़ा गाना तेरा मांगता पैर पर मोशन के टांगे लगा के वो चल रहा है हाइप भी देखी कल सड़क पे तेरी मैं आया नहीं तेरे पे एक भी फैन भाई मेरी तो खाली भाई बीट्स में मजे आ गए वापस सुनूंगा लेकिन भाई बीट्स में मजे आ गए भाई का पहला मैं गॉड चाइल्ड जो बेच के आया है सो
सोल सैतान तुझे मोतिया बिंद तुझे कम दिखे भाई मेरे स्ट्रीम्स मेरे व्यूज मेरी हाइप छोटे भाई मैं कोविड पॉजिटिव वो फैलता जा रहा तेरी गांड में दम तो मुझे रोक लेना भाई मैं कोविड पॉजिटिव में फैलता जा रहा तेरी गांड तो रोक लेना भाई रोक लेना था मैं तो इसके डील्स भी सारी मैं जानू तू चाट के गांडे दिखा रहा है ट्रेनिंग में लंगड़ा गाना तेरा मांगता पैर प्रमोशन के टांगे लगा के वो चल रहा है हाइप भी देखी कल सड़क पे तेरी मैं आया नहीं तेरे पे एक भी फैन भाई मेरी तो खाली बस तेरी हाइप देखी सड़क पे कोई आया भी एक भी नहीं फैन ठीक है मैं सड़क पे चलता हूँ तो भाई लोग आते हैं मिलते हैं हाथ मिलाते हैं फोटो खिंचाते हैं हाइप तेरी देख ली दोस्त भी देखी कल सड़क पे तेरी मैं आया नहीं तेरे पे एक भी फैन भाई मेरी तो खाली बस अफवाही आई फिर देखा ना तूने ट्रैफिक होता जैम भाई वो बंदे मेरे तेरे दस को भी ठोक दिया इंस्टा ओके पे नहीं कभी बाहर मिलना भोसड़ी के तेरे गाने ट्राई काफी थोड़ा उस पे सौ साल बीट पे नहीं भाई अपने लिरिक्स पे जोर डाल चूतिया बस भौंकता है लंड वन ब्रो थोड़ा मर्द बनो सालों कभी बाहर मिल लो तीन साल पहले तूने मेरे साथ किया शुरू तेरा ग्राफ अभी वही भाई शुरू कर लो अब इंस्टा पे किसकी ले रहा है किसकी ले अरे भाई नाम बोल दे एक बार कलम शुरू तेरा ग्राफ अभी वही भाई शुरू कर लो अब इंस्टा पे डालेगा चूतिया फ्री वर्ड शॉट लेगा चुपके साला सस्ता रैपर चार बार मैंने इसे मेरे माफ किया भाई छोटी बच्चियों को लगा रहा या माफिया भाई इसके गैंग के वो दो तो वो ना बीस मुझे दिखते दुकानों में मोमोस की साले बाप की कमाई पे पल रहे अब तो ज्ञान दे रहे मुझे साले नौटंकी तेरी हाइप सारी फेक ऐसी फैंस ऑन रोड इस बार लेगा शॉट तो फिर मां दर्द चोट तेरे घर के आगे मेरे लड़के बारा तेरी मां मांगे भी खोले माफी नामा वन पंच करू डाउन जैसे साईतामा गेम खड़ा किया मैंने जैसे वाइक रहा था बेचम बैलेंस ही आगा ये छाती पे बैलेंस ही आगा भाई जांगो यहाँ से रोंगटे जाके जांगो तक में खड़े हो गए हैं भाई साहब बीट्स ये जो सीजे बीट्स और ये ब्लेंड है ना जो कलम के वर्स का कलम ने जो वहाँ पे फ्लो पे स्विच मारा है यहाँ पे सीजे का जो बैकग्राउंड पे एक वो सैंपल वोकल जो भी बोल लो है वो आता है और बीट्स में हल्के से ड्रम शुरू होता है भाई मेरे अरे रे जांगो तक भाई रोंगटे खड़े हो गए भाई तेरी हाइप सारी फेक ऐसी फैंस ऑन रोड इस बार लेगा शॉट तो फिर मां दर्द चोट तेरे घर के आगे मेरे लड़के बाहर तेरी मां मांगे भी खोले माफी नामा वन पंच करू डाउन जैसे साईतामा गेम खड़ा किया मैंने जैसे हुआ एक रात था बचम बैलेंस ही आगा ये छाती पे 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 भाई भाई ठीक है कर लिया हाइप सारा हाइप कर लिया सीजे बीट्स ने बोला भाई ठीक है हो गया मज़ा ड्रिल पे मज़े कर लिए पंप अप हो गए अब शांत हो जाओ ये था उसका इसलिए आउट्रो ठीक है ये अरे सीजे बीट सीजे चिराग बीट कलम इंक को प्रेस करने बैठूं लग जाएगा आधा एक घंटा सीजे चिराग बीट्स को प्रेस करने बैठूं तो भी लग जाएगा चाहे मुझे बीट्स का नॉलेज नहीं है बस सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई एलिमेंट्स अलग अलग ऐड हो रहे हैं तो मुझे फ़न लग रहा है सुनने मुझे पता आ रहा है कि हाँ भाई ये एलिमेंट ऐड किया तो म्यूज़िक का लेवल अलग चला गया सिर्फ इतना पता है मेरे को लेकिन भाई सीजे चिराग बीट्स से मज़े दिलाती है बात करते हैं फिर कलम इनकी सीजे चिराग बीट्स भाई शाउट आउट टू यू मेरा भाई मज़े दिला दिए बीट्स में बहुत पता नहीं मैं ड्रिल तो मेरे को नहीं पता था कि इतनी अच्छी भी बनती है वरना तो मैंने वही शायद से मुझे लगता है कि सब ड्रिल एक ही जैसी लगती थी मेरे को तक सब लिमिनल चल रही थी बहुत सारी चीज़ें ठीक है फिर कलमकार को टूट गया मुफाड़ को शाउट आउट वहाँ से एक हल्का सा बना ठीक है कनेक्शन बना कि ओके कलमकार के लिए लेकिन कलमकार किसके लिए ठीक है देन आखिरी का जो एंडिंग पार्ट आता है विद अ डेज कि भैया तीन साल पहले इससे मिला था अभी भी तू वहीं पे है मैं इतना ऊपर पहुंच गया वो अभी तक नहीं समझा ठीक है कमेंट्स में बता सकते हो तो मुझे बता देना बाय द वे अगर सिर्फ डेज हटा देते हैं देन हियर कम द मैजिक ऑफ कलमिंग वो जो स्ट्रक्चरिंग थी जो पहला एक वो फ्लो स्विच होता है पता था मेरे को जब मैं उठूंगा तो फिर आएंगे लोग दबाने वो भाई ये है भाई ग्रोथ की निशानी तुमको पता लग जाता है भाई कि गाने की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है गाने में कौन से एलिमेंट्स कहाँ डालने हैं कैसे गाने को हल्का सा इंटरेस्टिंग बनाना है छोटी छोटी चीज़ें वो कलमिंग की तरफ से देखने को मिल रहा था जो आगे ट्रोल करने वाले थे उनके लिए भी यही चीज़ भाई सीधा सीधा स्टेटमेंट है अगली बार नहीं अगली बार नहीं कर देना कि भाई टेक्निकल रैपर नहीं है कलमिंक सिर्फ ईमो रैप गाता है ना वो भी गाता है उसमें कुछ टेक्निकल नहीं डालता है सिर्फ गाने जैसा गा देता है ना वो सब नहीं कि अब चल पाएगा ठीक है ये नहीं हो पाएगा अभी मज़े दिला दिए गाने में अभी इस गाने के अगर व्यूज़ के बारे में बात करेंगे 3 days 331K आई कैन स्टिल फील कि ये जो अभी भी गाना का ये जो ग्राफ है ये अभी भी
थोड़ा नीचे ही है अभी, बिकॉज दिस इज स्टिल ऑडियो और ऑडियो 330K मार गया है भाई। हुक अपने आप में इंस्टा पे वायरल हो सकता है, 3 दिन हुए हैं, वेट फॉर फ्यू मोर डेज, ये इंस्टा पे वायरल होने वाला है सॉन्ग। इसका सिर्फ हुक ही हुक चिपकेगा इंस्टा पे, तुम देख लेना ठीक है। नई वीडियो में मिलेंगे, मुझे तो बहुत हाइप हो गई भाई, मेरे को पता नहीं, मैं थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो रहा हूँ, बिकॉज भाई मेरे को ये चाहिए था आई थिंक कमिंग से कि भाई ये कर दे एक बार, ताकि ना थोड़ा सा जरा ये लोग जो है ना शांत हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नई वीडियो मिलेंगे, कमेंट में सजेशन दे देना, और तुम्हें इस वीडियो के लिए कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी रिकमेंडेशन हो, कुछ बातें करनी हो, कमेंट्स में बताना। नई वीडियो मिलेगा, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय, पीस। तेरे जैसो को हम कट्टे में डाल दे, पोकर फेस जैसे लेडी गागा, कच्चा है नीचे से पहना और छाती पे बैलेंस ही आ गया, छाती पे बैलेंस ही आ गया, बहुत डोप हो गए भाई रे, बैलेंस ही आ गया, बहुत हार्ड छाती पे।